सब लोग आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी के साथ मिले हैं वो लोग राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होने के लिए वादा किए आपके सामने उनके बात रखे आगे हम लोग तेलंगाना में टीआरएस को हराने के लिए जिस तरीका से काम करना है सब लोग मिलकर हम लोग काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी टी आर एस साथ मिलकर कैसे चार करोड़ तेलंगाना जनता को कैसे धोखा दे के गए यह सब सारे हम लोग लोगों को दिखाना है और पिछले तीन दिन से के टी आर आई टी मिनिस्टर दिल्ली आया था वो ऐसा दिखा रहे कि हम तेलंगाना तरक्की के लिए मेट्रो रेल के लिए नेशनल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए और कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए हम रिप्रेजेंटेशन दिए इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से मिले ये सरासर झूठा है क्योंकि पटना में एंटी बीजेपी जो मीटिंग चल रही था पंद्रह पार्टियों का तो उसका थोड़ने के लिए ये परसेप्शन ऐसा क्रिएट करने के लिए अप्रो अपोजिशन में भी साथ नहीं है कुछ लोग बीजेपी के साथ है ऐसा परसेप्शन क्रिएट करने के लिए लगातार टीआरएस कोशिश किए पहले केसीआर ने किया अभी केटीआर ने कोशिश कर रहा है तो लोग पूरा समझ रहा है इसीलिए हम लोग सब लोगों जितने भी वरिष्ठ नेता भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए हमें आदा दिए इन लोगों को मैं वेलकम कर रहा हूँ और दूसरे जुलाई सेकेंड को कम में एक बड़ा जलसा होगा वहाँ पर वहीं से तेलंगाना के अगले चुनाव के भूमिका वहाँ से आप लोगों को बोलेंगे और दूसरा महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में जुलाई फोर्टीनथ और सिक्सटीन वहाँ पर जलसा लेकर वहाँ से हम लोग के के खिलाफ जो लड़ना है बीजेपी और बी दो एक ही पार्टी है इसका गठबंधन ऐसा है फेविकाल गठबंधन है फेविकाल से जोड़े तो जितना ताकत रहते और बीजेपी बीआरएस का भी उतना ही गठबंधन है पिछले नौ साल ये लोग साथ में काम किए आगे चुनाव में भी ये दोनों मिलके चुनाव लड़ने वाले इसीलिए कांग्रेस पार्टी पूरा तैयारी कर लिए ये दोनों को हराने के लिए धन्यवाद मित्रों इतना अच्छा सहाकार दिया हमारे पत्रकार मित्रों आगे भी आपके सहाकार ऐसे रहना चाहिए धन्यवाद